हमारा साहित्य ये बताता है कि एक सुदृढ़ शासन जो है संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाव में देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा, जिसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय न केवल ऋषियों, महर्षियों और तात्कालिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है, बल्कि तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी इस ज्ञान परंपरा की समृद्धि में कमोबेश सहायक रहीं। जी हाँ, और इन परिस्थितियों के सृजन के लिए, संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है प्रशासन या साम्राज्य। आज भारतीय ज्ञान परंपरा में जान लेते हैं एक ऐसे ही प्रशासन या साम्राज्य के बारे में। सन 1290, स्थान दक्षिण भारत। भरे पूरे नगर, सजे हुए बाजार, मंदिरों से उठती भक्ति संगीत की स्वर लहरियां, चारों ओर शांति और प्रफुल्लता। अचानक इस शांति को भेद देता है एक काला तूफान, जो पहले ही समूचे उत्तर भारत को अपने अंक में लपेट चुका था, और इस तूफान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले उसने देवगिरी के यादवों के राज्य को लूटा और अपने अधीन किया, और फिर एक के बाद एक उसने और उसके प्रतिनिधियों ने दक्षिण के सभी प्रमुख राजवंशों को तहस नहस कर दिया। विध्वंस के इस तूफान को रोकने का कार्य किया दो अद्वितीय शूर वीरों ने, जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय। इन दो भाइयों ने वर्ष 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य कहलाया। यह भारत के इतिहास का सबसे वैभवशाली साम्राज्य माना जाता है, जहां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतियों ने अपने चरम को प्राप्त कर लिया था। हरिहर और बुक्का राय ने न केवल एक मजबूत राज्य की स्थापना ही की, बल्कि आगे चलकर विजयनगर की सेनाओं ने समूचे दक्षिण भारत को आक्रमणकारी यवनों से मुक्त करा लिया। अगले 250 वर्षों तक यह साम्राज्य उत्तर में महाराष्ट्र की सीमा से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। वहीं पूर्व में ओडिशा का बहुत बड़ा भाग भी विजयनगर साम्राज्य के ही अधीन था। वर्ष 1509 में इस साम्राज्य के सबसे यशस्वी सम्राट कृष्णदेव राय ने राजपाट संभाला। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर का वैभव सुदूर ब्रह्मदेश अथवा बर्मा एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक फैल गया। इस दौरान आए इटली के यात्री डोमिनी पेइस और निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर से अधिक वैभवशाली नगर विश्व में कोई नहीं था। यहाँ के मंदिर अद्भुत कौशल से बनाए गए थे और राजा एवं सैन्य दल बेहद शक्तिशाली थे। इसी विजयनगर की शक्ति और वैभव ने विजयनगर साम्राज्य को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित इस साम्राज्य के अवशेष अपने गौरव और वैभव की कहानी जीवंत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को ने भी इन्हें संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता दी है। प्रतिदिन हमें कार्य करने के